गाइस आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर हमें नेक्स्ट ईयर 2024 में डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किस कोर्स की मान्यता अधिक है इन फ्यूचर, वही कोर्स हमें बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस, अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक फैसला दिया है जिसमें गाइस ये कहा गया है कि अब जो है ना बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं ये गाइस प्राइमरी लेवल के टीचर नहीं बन सकते, मतलब प्राइमरी से उसे हटा दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। अब गाइस इसका नुकसान जो है ना बीएड वालों को हुआ और इसका फायदा जो है डीएलएड वालों को हुआ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा इंडिया में जो वैकेंसी निकलती है ना ये प्राइमरी लेवल का ही निकलता है। और देखो गाइस सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दोस्तों देखिए बीएड वाले जो स्टूडेंट थे ना इन्होंने दोस्तों ये मांग किया था कि बीएड वालों को भी प्राइमरी में शामिल किया जाए, क्योंकि गाइस पीआरटी की वैकेंसी उस टाइम ज्यादा आ रही थी और अपर प्राइमरी लेवल की वैकेंसी इतना था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर दिया 2018 में, लेकिन अगस्त 2023 में क्या हुआ, बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। अब गाइस यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसका बेनिफिट डीएलएड वालों को हुआ कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन कम गया गाइस, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो बीएड करने वाले स्टूडेंट की संख्या सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों बीएड वालों के पास क्या ऑप्शन बचा, अब वो कौन सी क्लास तक के टीचर बन सकते हैं ये आप समझिए, ठीक ना। उसके बाद मैं आपको इनके बेनिफिट्स बताऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। देखिए बीएड वाले दोस्तों अब जो है ना क्लास 6 से लेकर 10 तक के टीचर बन सकते हैं। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तो उन्होंने ग्रेजुएशन, देखिए बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब दोस्तों इसमें 4 ईयर बीएलएड वाले भी शामिल हो जाएंगे क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए, ठीक है, क्योंकि बीएलएड जो है इसमें आपका ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाता है और 2 वर्षीय डिप्लोमा भी हो जाता है। लेकिन ये बीएड के इक्वल नहीं होता है, क्लास 6 से 8 के लिए ही एलिजिबल होंगे बीएलएड वाले, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, तो सीटेट का पेपर 2 क्लियर करना होता है, फिर उसके बाद जो है वही प्रोसेस है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये एग्जाम में अच्छे नंबर लाना होता है और जिनका कट ऑफ लिस्ट में नाम आता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब गाइस कुछ स्टेट्स ऐसे हैं ना जहां पर डीएलएड वालों को एक और बेनिफिट मिला है, अब कौन कौन से स्टेट्स है ये भी मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि डीएलएड करने के क्या फायदे हैं और पिछले 2-3 साल से गाइस ज्यादातर स्टूडेंट डीएलएड क्यों कर रहे हैं। देखिए यूपी में दोस्तों डीएलएड जो है ना जिसे हम बीटीसी के नाम से जानते हैं, जो कि एक ही कोर्स है, ठीक ना, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है ये कोर्स, लेकिन दिल्ली बिहार और राजस्थान पंजाब और हरियाणा में दोस्तों ये जो कोर्स है ना 12th के बाद होता है। तो यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट 12th क्लास करने के बाद ही जो है इस कोर्स को कर लेते हैं 2 साल का। लेकिन गाइस जो स्टेट्स जहां पर ग्रेजुएशन के बाद होता है ना वहां पर स्टूडेंट को क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए भी एलिजिबल किया गया है, मतलब डीएलएड वालों को किया गया है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ओनली 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल है जिन्होंने डीएलएड किया है। अब उसके बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो भी वहां पर जो है उनको मतलब उसमें चांस नहीं दिया गया 6 से 8 में। अब कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं ये भी समझ लेते हैं, सो डेट दोस्तों अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उसी का अकॉर्डिंग जो है प्रेफर कर पाएं कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। तो देखो गाइस, देखिए बिहार में दोस्तों अगर आपने डीएलएड किया है और ओनली आपने 12th क्लास पास किया है तो आप दोस्तों क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर आपने डीएलएड करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या उससे पहले अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप क्लास 6 से लेकर 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। उत्तर प्रदेश में भी आप हो जाओगे, उत्तराखंड हिमाचल में भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप दोस्तों दिल्ली में जिसे जो कि DSSSB एग्जाम कंडक्ट करवाता है, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हो तो आप दोस्तों यहां पर जो है ना आप 1 से लेकर 5 में एलिजिबल हो जाओगे डीएलएड करके। लेकिन अगर आपने डीएलएड किया और ग्रेजुएशन भी किया है तो आप 1 से लेकर 5 में ही एलिजिबल होंगे, लेकिन 6 से 8 के लिए आपको बीएड चाहिए। अब मैं आपको शो कर देता हूं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले दोस्तों आप लोग बिहार का देख लीजिए, क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है ना, बीए होना चाहिए आपका और साथ में वही 2 वर्षीय डिप्लोमा है, चाहे वो जेबीटी हो या फिर डीएलएड हो या बीटीसी हो, और ये मांगा गया है। और उसके बाद वही सीटेट का पेपर 2 चाहिए इसमें बस, उसके बाद आपका जो है एग्जाम होगा बीपीएससी के द्वारा और उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब आपके मन में दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ग्रेजुएशन क्यों मांगा जाता है। तो देखो गाइस, क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को जो है हमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, उसमें जो टीचर्स होते हैं वो टीजीटी कहलाते हैं, है ना। तो टीजीटी कोई इंग्लिश का टीचर होता है, कोई हिंदी का होता है, कोई टीजीटी एसएसटी का होता है, कोई टीजीटी साइंस का होता है, कोई टीजीटी मैथ का होता है, तो इसलिए वहां पर मांगा जाता है। और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच होना चाहिए ग्रेजुएशन वाला,
ठीक है, जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है वही आपका बीएड में होना चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। देखो गाइस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखिए अगर आप इन फ्यूचर ग्रेजुएशन करने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर 10th तक के टीचर बनना गाइस, क्योंकि हो सकता है आपका, हो सकता है आप इन फ्यूचर बीएड करने के बारे में भी सोचे, डीएलएड करने के बारे में भी सोचे, तो क्लास 6 से 8 के लिए तो एलिजिबल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो फिर अगर आपने बीएड भी किया है ना तो भी आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा 6 से 10 के लिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो ये आपका लैंग्वेज जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप टीजीटी हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो तीनों ईयर्स में आपके हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट ग्रुप में। इसी तरीके से अगर आप मैथ के बनना चाहते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, इसके स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए ये केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए पहले बीएड वालों को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब बीएड वालों को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी जो है ना फैसला जो है पेंडिंग में ही है सुप्रीम कोर्ट में, तो फाइनल डिसीजन जब आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप करें, क्योंकि अभी बीएड और डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है डिसाइड करना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और भी इजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाया गया है, तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए डीएलएड करने के क्या फायदे हैं ये तो हम समझ चुके हैं, अब गाइस हम बात करते हैं कि बीएड करने के क्या फायदे हैं। देखिए बीएड करने के फायदे ये है गाइस कि आप जो है ना क्लास 6 से लेकर बीएड, देखिए बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है तो आप टीजीटी टीचर कहलाते हैं, तो क्लास 6 से लेकर आप 10th तक के टीचर बन जाते हैं बीएड करने के बाद, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है तो, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप गाइस क्लास 11th एंड 12th के भी टीचर बन जाते हैं, उसके बाद आप वाइस प्रिंसिपल और हेड प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, तो ये फायदा है बीएड का। लेकिन डीएलएड का क्या है कि आप मैक्सिमम क्लास 8 तक के लिए ही एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है ना, उससे आगे नहीं हो पाओगे, फिर उसके लिए आपको फिर बीएड करना पड़ेगा अगर आप क्लास 6 से लेकर 10th या फिर 11th 12th प्रिंसिपल तक के पोस्ट पर जाना चाहते हो तो। अब गाइस आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम डीएलएड करने के बाद बीएड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड कर रखा है और अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर बीएड करना तो बीएड भी कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो। तो देखो अब वैकेंसी की बात करें गाइस, तो वैकेंसी जो है ना अगर देखा जाए तो 100 में से 60% जो वैकेंसी होती है ज़्यादातर ये प्राइमरी में आती है, 40% जो है अपर प्राइमरी में, ठीक है ना। और इसका फायदा ये है ना डीएलएड का कि 12th के बाद ही स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, और इसकी फीस भी कम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है डीएलएड की ये 20,000 रुपये होती है और प्राइवेट की 80,000 रुपये होती है,